अपने पुत्र के प्रकोप से डरी सहमी हुई एक लाचार मां न्याय की गुहार लगाने पहुंची डीआईजी कार्यालय, जहां डीआईजी विवेकानंद से मिलकर अपने सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण यादव व उसकी पत्नी ज्योति देवी के कहर से बचाने का गुहार लगाया। पीड़ित हबीबपुर थाना क्षेत्र की शाहजंगी नवटोलिया निवासी मां साबू देवी पति सखी चंद यादव के साथ डीआईजी से मिलकर अपनी आप बीती सुनाई। साबू देवी ने कहा कि छोटा बेटा लक्ष्मण यादव पहले मारपीट कर मोटरसाइकिल अपने नाम करवा लिया, अब जमीन बेचकर रुपए मांग रहा है, नहीं देने पर हम पति पत्नी के साथ मारपीट कर किसी मामले में फंसा देने की धमकी लगातार देता रहता है। हालांकि मामले को लेकर डीआईजी विवेकानंद ने पीड़ित मां को आश्वासन किया है, स्थानीय थाने के द्वारा जांच कार्रवाई जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तंग तवा करे छे जमीन लेख रत मारबो बेटी दे जल गाड़ी कर ले लेबो हमारी पिटिक निकाल के आवा के जमीन लेख जहर खाके मायागंज के केस कर ले नहीं लेल के जा फरु जहर कालबो दोनों पति पत्नी मारे धुना जिंदा रहे भाई और ना केस बनते मतलब पेटा से तवा हो हां बेटा खूब परेशान कर हां परेशान कर साल भर इस करे शादीशुदा कर दिल छे चौधरी डेम रे साला ससुर सास रो कहला पर चली रहल छे हमरा तंग तवा कर रहल छे हमरा डीआईजी सर पास से लोग की कर कल कह के ठीक है थाना कागज भेज देंगे कानून कार्रवाई करेगा बिना होना मेरा साबो देवी कहां करो देवी घर सजंगी नपलिया बेटा ना बेटा लक्ष्मण यादव छोटा बेटा ज्योति देवी।